हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो चलिए मैम, आप सबका वेलकम कर रहे हैं अपनी क्लास में। जल्दी से मैम को ज्वाइन कीजिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, और साथ में अपनी हिंदी की बुक्स, नोटबुक्स और पेंसिल बॉक्स लेकर मैम के साथ बैठिए। आज हम हिंदी भाषा माधुरी में लेसन नंबर 10 नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 9th हमारा चैप्टर हो चुका था, बीरबल की खिचड़ी। आज हम लेसन नंबर 10 कौन सा करवाने वाले हैं? महान शिक्षाविद डॉक्टर राधा कृष्णन, लेसन नंबर 10। जैसे कि मैम ने आपको बताया है कि हर लेसन से कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई स्टोरी है, अगर आप अपने बड़ों की बात सुनते हो तो हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है ना, तो वैसे ही हमें हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। अब ये सब आपको आज बताना है कि आपने इनसे क्या सीखा, ठीक है? तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए, लेसन नंबर 10, महान शिक्षाविद डॉक्टर राधा कृष्णन। तो आज मैम आपको स्क्रीन से ही रीडिंग कराएंगी। मैम यहाँ पर वॉच कर रही है, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में रीड करना है, आपने यहाँ बुक से रीड करना है, ठीक है? सॉरी फॉर दैट, आपको अपनी बुक से रीड करना है। मैम यहाँ पर एक्सप्लेन करती जाएंगी, बोलती जाएंगी, और आपको अपनी बुक में वॉच करना है। जैसे मैम ने यहाँ टिक लगाया, तो सेम वैसे ही आपको अपनी बुक में भी लगाना है, बट यूज़ पेंसिल नॉट पेन। तो यहाँ पर है, प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, आपको पता है डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे हमारे देश के, भारत के। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली, इनका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के विषय में बताया गया है कि वे किस प्रकार से अपनी मेहनत और एवं लगन से इस ऊंचाई तक पहुँचे। उनके जन्मदिवस 5 सितंबर। अब आपको ये 5 सितंबर की डेट कुछ रिमाइंड किया हमने, कुछ आया दिमाग में आपके? जल्दी से बताइए, है ना? 5 सितंबर को क्या होता है? हम टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं, आप सब करते हैं। तो उसी दिन डॉक्टर राधा कृष्ण जी का बर्थडे भी होता है, ठीक है? तो उनके जन्मदिन 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका बर्थडे 5 सितंबर को था, इसीलिए इनके बर्थडे को एज अ टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये टीचर भी थे ना। इन्होंने ज़्यादातर जो काम किए हैं वो एजुकेशन वाली लाइन में ही किए। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे, के बाद सन 1962 में वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे रूस में भारत के राजदूत भी रहे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में चेन्नई से 64 किलोमीटर दूर एक जगह थी, तिरुत्तानी नामक स्थान पर, एक मध्यम वर्गीय परिवार में, मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनकी मातृभाषा, जो मदर टंग थी, वो क्या थी? तेलुगु थी। पढ़ाई में वे आरंभ से ही मेधावी थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, शार्प माइंडेड थे, और जल्द ही अपनी प्रतिभा से अपने शिक्षकों को उन्होंने प्रभावित कर दिया था। अपनी प्रतिभा, योग्यता और विद्वता के बल पर उन्होंने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां अर्जित की। सन 1954 में उन्हें उनके योगदान के लिए भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत की दार्शनिक परंपरा के वे बहुत बड़े विद्वान थे।
देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने से पहले बहुत पहले वे देश विदेश में एक दार्शनिक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। यानी उन्हें घूमने का शौक था, फिलोसफर थे वो, इधर उधर घूमते थे, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते थे और विदेशों में भी भारतीय दर्शन पर व्याख्यान यानी एक्सप्लेनेशन, अपनी जो भी उनकी अंदर की जो भी बातें होती थी भारतीय दर्शन को लेकर, क्योंकि उन्हें घूमने का शौक था, देने के लिए अतिथि प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किए जाते थे, पता है आपको। उसके बाद है सन 1936 से 1939 तक वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन के प्रोफेसर रहे। वे सन 1931 से 1936 तक देश के प्रतिष्ठित आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उन्होंने कहा था कि महामानव बनना आसान है लेकिन एक सच्चा मनुष्य बनना बहुत मुश्किल है और हमें एक सच्चे मनुष्य के रूप में खुद को साबित करना चाहिए। उन्होंने भारत के महान दार्शनिक ग्रंथ भगवद गीता का निचोड़ और वर्तमान विश्व में उसकी ज़रूरत से यूरोप के जिज्ञासुओं को परिचित कराया। आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन में इस जगत को मिथ्या और माया बताया गया है और बताया गया है कि संसार, समस्त जीव और प्रकृति एक ही ईश्वर या ब्रह्म की छाया या प्रतिबिंब है। अभी तो पता ही है सबको, है ना। इस दर्शन में जीव और ब्रह्म के प्रति अद्वैत यानी एकता का संबंध भी बताया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस दर्शन से सभी तर्क वितर्कों की बहुत सुंदर व्याख्या की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक होने के साथ साथ भारतीय दर्शन के बहुत ही समर्थ अध्यापक थे। वे अपने जीवन और आचरण में भी अत्यंत आदर्शवादी होने के कारण देश के तमाम शिक्षकों के भी आदर्श बने रहे। जब तक इस देश में आदर्श शिक्षक मौजूद रहेंगे तब तक डॉक्टर राधाकृष्णन की आंखों का सपना यानी इस देश में आदर्श और समाज सेवी छात्रों का निर्माण होता रहेगा। अब आप संकल्प लें, यानी कि आपको अब निश्चय करना है, डिसीजन लेना है कि आप एक छात्र के रूप में अपना विकास करेंगे। अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये आप सबको सीखने हैं, हमें भी सीखने हैं कि आप संकल्प लें कि आप एक छात्र के रूप में अपना विकास करेंगे। यह पूरा जीवन ही एक पाठशाला है। आपको पता है कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि पूरा जीवन यानी पूरी लाइफ एक पाठशाला है? क्योंकि हमें हर दिन हर एज में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, है ना। और जो इंटरेस्टेड होता है वो प्रोग्रेस कर जाता है और जिसे पता है लाइफ डल है, कुछ नहीं करना है, तो वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन हमें बहुत कुछ करना है। यह पूरा जीवन ही एक पाठशाला है। आप सब कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा बनाए रखें। देखा क्या बोला है उन्होंने कि आप सब कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा बनाए रखें लेकिन अपनाए उसे ही जो सच्चा हो, उपयोगी हो तथा कल्याणकारी हो। सार को ग्रहण कीजिए और थोथा अर्थात व्यर्थ पदार्थ को त्याग दीजिए। यह सीख संत कबीर की है जो खुद बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो कितना अच्छा चैप्टर है, यानी कि लाइफ एक पाठशाला, एक स्कूल है। हम कुछ ना कुछ उसमें डेली सीखते हैं लेकिन आप कब कैसे सीखोगे? जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक आप एक्साइटेड नहीं होंगे कुछ सीखने के लिए, तो फिर कैसे सीख सके? आप कोई आपके माइंड के अंदर नहीं डाल पाएगा, है ना। तो हमेशा हमें हरदम तैयार रहना चाहिए सब कुछ सीखने के लिए, क्योंकि कभी लाइफ में बैड टाइम भी आता है, कभी गुड टाइम भी आता है। तो अगर आप लोग परफेक्ट हो जाओगे तो आप लोग इस सिचुएशन से जल्दी बाहर भी आ सकते हो। तो कितनी अच्छी चैप्टर है ना ये। तो ये तो एक्सप्लेनेशन थी, बाकी का चैप्टर मैम आपको और जो हमारे शब्द अर्थ है, क्वेश्चन आंसर्स है और बाकी जो बुक वर्क रहता है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगी। आप सब अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और एक बार इसकी रीडिंग आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। ये तो आपने मैम के साथ की है, अब आपको सेपरेटली भी करनी है। तो टेक केयर एंड गुड बाय।